अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 15.2। तो ये वीडियो इस एक्सरसाइज पर पार्ट टू है। पार्ट वन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो पार्ट वन में क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया, तो पार्ट टू में 8 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये रेक्टेंगुलर फ्लोर मेजर्स 3 मीटर बाई 3.6 मीटर। टाइल्स ऑफ डायमेंशन 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर आर टू बी लेड ऑन इट, हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड। तो सीधे सा तो मतलब है, ये है होरिया टाइल्स की जो एरिया है, टाइल्स की साइज ऐसी है। और मान लीजिए इस टाइप के एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, ग्राउंड है, इस पर टाइल्स लगाना है, इतने साइज के टाइल्स, ठीक है। तो इतने साइज के कितने टाइल्स इस ग्राउंड पर, इस फ्लोर पर हमें चाहिए, तो इसको निकालना। तो यहाँ देखिए जो टाइल्स होते हैं ना, इसकी लेंथ भी दी गई है 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो है वो 10 सेंटीमीटर। अच्छा, ये तो हो रही है टाइल्स की डायमेंशंस है। अब देखिए जो फ्लोर होगी ना, इसकी डायमेंशंस क्या है, 3 मीटर बाई 3.6। तो ये जो ब्रेथ है ये 3 मीटर है और ये जो लेंथ है ये 3.6 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ देखिए, ये जो टाइल्स है ये सेंटीमीटर यूनिट में और ये मीटर यूनिट में। तो एक काम कर लेना, हमें तो कितनी टाइल्स चाहिए, हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड, कितने टाइल्स चाहिए ना। तो ये जो मीटर है, मतलब ये जो फ्लोर है, फ्लोर की डायमेंशंस तो मीटर में दी गई है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ लिखना हेयर लेंथ ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू लेंथ 3.6 सेंटीमीटर। अब देखिए सॉरी, यहाँ मीटर है। अब देखिए मीटर से सेंटीमीटर में आने के लिए 100 से इंटू करनी पड़ेगी और सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करनी पड़ती। तो यहाँ तो हम इंटू करेंगे ना, तो इज इक्वल टू देखिए 3.6 इंटू 100। तो डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो एक जीरो के लिए तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ जाएगी ना, यहाँ पर आ जाएगी, मतलब 36 हो गए, डेसिमल पॉइंट मूव हो जाएगी। और भी एक जीरो है तो यहाँ पे लगा देना, तो 360 सेंटीमीटर, 360 सेंटीमीटर। अब देखिए ब्रेथ क्या है, 3 मीटर है, तो 3 मीटर इज इक्वल टू 100 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर, तो 300 सेंटीमीटर है। अब देखिए देयरफॉर एरिया ऑफ द फ्लोर इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ है ना, तो लेंथ क्या है 360 सेंटीमीटर है, इनटू ब्रेथ कितने हैं 300 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको इनटू मत करना, जैसा वैसा ही रख देना, तो लास्ट में हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। फिर से देखिए टाइल्स की डायमेंशंस, लेंथ ऑफ ईच टाइल, तो लेंथ 12 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। देयरफॉर एरिया ऑफ ईच टाइल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ है ना, तो 12 सेंटीमीटर इनटू 10 सेंटीमीटर है। अब देखिए इसको भी मल्टीप्लाई मत करना, तो देयरफॉर अब आपको क्या चाहिए, कितने टाइल्स चाहिए। देखिए ये जो फ्लोर के एरिया है ना, ये भी सेंटीमीटर में आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में, स्क्वायर सेंटीमीटर में। तो टाइल्स जो है ना, इसकी जो एरिया है और ये टाइल्स की, ये भी स्क्वायर सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो अब देखिए आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए ना, कितने टाइल्स चाहिए इस बड़े फ्लोर को कवर करने के लिए। तो मतलब ये जो फ्लोर के एरिया है, इसको होरिये टाइल्स के एरिया से डिवाइड देने से टोटल नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगी। तो आप ऐसा ही लिखना, देयरफॉर द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, यहाँ लिख देना, इसको इससे डिवाइड देना। तो ये क्या है 360 सेंटीमीटर, 360 सेंटीमीटर इंटू 300 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। देखिए यहाँ पे कर लेता हूँ, देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगी, यहाँ भी सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगी, तो 360 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10 है ना, तो आप कैलकुलेशन कर देना। तो देखिए ये जीरो है, ये जीरो है, काट देना। अच्छा 12 3 36, अच्छा 3 इंटू 300 900, तो इज इक्वल टू 900। तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितने हैं, 900 है। तो इस फ्लोर को ढकने के लिए, कवर करने के लिए 900 इस डायमेंशंस की टाइल्स चाहिए होगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ए लॉन इज ₹4000 पर हेक्टेयर, हाउ मच विल इट कॉस्ट टू ग्रो ए लॉन ऑन ए पीस ऑफ लैंड ऑफ डायमेंशंस 1.6 हेक्टोमीटर बाय 2.03 हेक्टोमीटर। तो यहाँ देखिए एक लॉन है, मतलब घास फूस लगाने की जो लैंड होते हैं, जो फील्ड होते हैं, इसको लॉन कहते हैं।
ठीक है। तो ये लोन जो है ना पर हेक्टर 4,000 रुपये होते हैं घास फूस लगाने के लिए। पर हेक्टर घास फूस वगैरह लगाने के लिए जो कॉस्ट होती है, जो खर्चा होते हैं, वो 4,000 रुपये होते हैं। तो हाउ मच विल इट कॉस्ट टू ग्रो ए लोन? तो एक ऐसी लोन है, एक ऐसी फील्ड है जिसकी डायमेंशन है 1.6 हेक्टोमीटर और 2.03 हेक्टोमीटर। तो ये जो डायमेंशंस है, इस डायमेंशंस की एरिया वाले जो लॉन है, जो फील्ड है, इसमें घास लगाने के लिए कितने पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे? यहाँ पे दे रखा है कि पर हेक्टर 4,000 रुपये। अच्छा, तो पहले देखिए यहाँ हेक्टर में देंगे पर हेक्टेयर। तो हेक्टेयर क्या है? तो देखिए 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 स्क्वायर मीटर से 1 हेक्टेयर बनती है। अच्छा, तो ये 10,000 कैसे होते हैं? देखिए एक चीज़, 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीआर, सेंटीआर। अच्छा, वैसे ही 100 सेंटीआर इज इक्वल टू 1 आर, वन आर। और वैसे ही 100 आर इज इक्वल टू 1 हेक्टर, ठीक है। तो देखिए 1 हेक्टर में कितने स्क्वायर मीटर होते हैं? 100 × 100 = 10,000 अच्छा, अब देखिए यहाँ हेक्टोमीटर में दिए गए हैं डायमेंशन, जो है ना फील्ड की डायमेंशन हेक्टोमीटर में दिए गए हैं। तो ऐसे ही लिखें, देयरफॉर लेंथ ऑफ द लॉन इज इक्वल टू, लेंथ जो बड़ा है ना वो लेंथ हो गई 2.03 hm हेक्टोमीटर। यहाँ देखिए स्क्वायर मीटर में है, तो मीटर में हेक्टोमीटर को कन्वर्ट करना। तो देखिए 10 मीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर। अच्छा, तो देखिए 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं और 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं। तो 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10 × 10 100 मीटर हो गए, ठीक है। तो 100 मीटर है ना, तो यहाँ देखिए 2.03 हेक्टोमीटर, तो 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर, तो इसको 100 से डिवाइड इंटू करने से मीटर में आ जाएगी 2.03 × 100। तो यहाँ देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 1 के बाद 2 जीरो है, तो डेसिमल पॉइंट रिमूव हो जाएगी, 203 इज इक्वल टू 203 मीटर हो जाएगी। अच्छा, ब्रेथ देखिए, ब्रेथ ऑफ दी लॉन इज इक्वल टू 1.6 हेक्टोमीटर, 1.6 hm इज इक्वल टू, अब देखिए 1.6 को 100 से इंटू करना, तो देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 10 से तो 1 डिजिट यहाँ डेसिमल पॉइंट रिमूव हो जाएगी, तो 16 तो आप देखिए 1 जीरो बाकी है, तो यहाँ लगा देना, तो 161, तो मतलब 160 मीटर है। आप देखिए ये जो लॉन है, लॉन के जो पीस है, इसको इसकी एरिया निकल लेना। तो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 203 × 160, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो लेंथ 203 है इंटू, अच्छा यहाँ मीटर है, मीटर इंटू 160 मीटर, ठीक है, इंटू कर देना इज इक्वल टू 203 और 160, तो 203 160, तो ये जो 160 के लास्ट में जो जीरो है ना, ये लास्ट में पुट कर देना, तो आप देखिए 6 3 18, 2 6 12, 1 3 3 1 1 0 0 0 1 2 2, तो 8 4 2 3, और लास्ट में ये जो जीरो है पुट कर देना, तो 3 2 4 8 0, 3 2 4 8 0, यहाँ मीटर है, तो मीटर स्क्वायर होगी। हाँ, आप देखिए पर हेक्टर है ना, पर हेक्टर क्या है, 4,000 रुपये है पर हेक्टर, तो पर हेक्टर मतलब क्या है, 10,000 स्क्वायर मीटर। तो देखिए पर 10,000 स्क्वायर मीटर में 4,000 रुपये होते हैं, तो 32,480 स्क्वायर मीटर में कितनी होगी, मतलब है इसको 10,000 से डिवाइड देना और इसके बाद क्या करना, 4,000 से इंटू कर देना। तब ऐसे ही लिखते हैं, द कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग द पीस ऑफ लैंड इज इक्वल टू, ये जो एरिया है ना, ये जो पीस ऑफ लैंड है, ये ज़मीन के टुकड़े की, तो इसको 10,000 से डिवाइड करना, क्योंकि यहाँ पार 10,000, पार हेक्टर मतलब पार 10,000 स्क्वायर मीटर 4,000 रुपये, तो 4,000 से इंटू करना और 10,000 से डिवाइड करना, तो रुपीज़ 4,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू ये है 3 2 4 8 0। अब देखिए यहाँ ऊपर देखिए 1 2 3 0 और यहाँ 1 0 4 0, टोटल 4 0 है, तो यहाँ भी 4 0 है, तो काट लेना, अब 4 से इसको इंटू करना, तो देखिए 4 8 = 32 2
अच्छा यहाँ रुपीज़ लिखना, 32 कैरी ओवर 3, अच्छा 4 जार 16 प्लस 3 19, 9 कैरी ओवर 1, 4 जार 8 प्लस 1 9 और 4 जार 12, तो रुपीज़ 12,992 आती है। ये जो लैंड है इस पर ग्रो करने के लिए मतलब गास लगाने के लिए यह खर्चा आएगी, टोटल खर्चा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द एरिया इन आर्स ऑफ ए स्क्वायर होल ऑफ साइड 40 मीटर। तो 40 मीटर वाले किसी स्क्वायर होल की एरिया क्या होगी और वो एरिया आर्स में होनी चाहिए, इन आर्स। तो आर्स में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, पहले जो इंग्लिश दी गई है यानी कि मीटर, मीटर में इसकी एरिया निकल लेंगे। तो यहाँ स्क्वायर है ना, स्क्वायर है ना, तो ऐसा ही लिखना गिवन साइड ऑफ द स्क्वायर, या फिर ऐसे लिखे है साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 40 मीटर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो देखिए ये जो स्क्वायर होल है इसकी एरिया, तो स्क्वायर के एरिया होते हैं ये साइड स्क्वायर होते हैं ना, तो साइड 40 मीटर है, तो 40 मीटर होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 4 जार 16, और यहाँ जीरो है ना, तो इसको स्क्वायर करने से लास्ट में 2 जीरो आएंगे और यहाँ मीटर स्क्वायर है। तो देखिए किसी किसी भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस में जीरो है, तो इसको स्क्वायर करने में जो स्क्वायर नंबर आएगी ना लास्ट में 2 जीरो आएंगे, तो 1600 स्क्वायर मीटर होते हैं ये जो स्क्वायर होल है इसके एरिया। अब देखिए इसको आर्स, आर्स में रिप्रेजेंट करना, तो इज इक्वल टू, तो देखिए कितने स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1 आर होते हैं, 100 स्क्वायर मीटर, 100 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1 आर, तो आर में है ना, तो यहाँ 1600 है, तो 100 से यहाँ मीटर स्क्वायर है, तो इसको 100 से डिवाइड देने से आर में आ जाएगी, तो 1600 मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 100, अच्छा मीटर स्क्वायर हटा देना, इजिकल 0 से 2 0 से 2 0, तो 16 होगी, 16 आर्स, तो ये होते हैं भाई आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ लेमिनेटिंग ए टेबल टॉप ऑफ डायमेंशन 9 डेसीमीटर 6 सेंटीमीटर बाई 6 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर एट रुपीज 50 पर स्क्वायर मीटर। तो एक टेबल टॉप है मतलब एक बड़ी सी टेबल है, इस पर इसके ऊपर में क्लॉथ लगाना, लेमिनेट करना, मान लीजिए क्लॉथ नहीं पॉलीथिलीन टाइप की कुछ इस पर रखना, मतलब इसको कवर करना, ढकना। तो देखिए इसको लेमिनेट करने के लिए पर स्क्वायर मीटर रुपीज़ 50 कहते हैं, पर स्क्वायर मीटर रुपीज़ 50, और वो जो टेबल है ना इसकी डायमेंशंस दे रखा है, डायमेंशन ऐसा है 9 डेसीमीटर 6 सेंटीमीटर, ये लेंथ है 9 डेसीमीटर 6 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ है ये 6 डेसीमीटर 6 dm मतलब डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अच्छा तो डेकामीटर कैसे होते हैं, डेकामीटर के लिए dam होते हैं डेकामीटर, और डेसीमीटर के लिए सिर्फ dm होते हैं, ये याद रखना। आप देखिए यह जो कॉस्ट है ना रुपीज़ 50 पर स्क्वायर मीटर है, तो यहाँ डेसीमीटर और सेंटीमीटर में है, तो इन दोनों को भी मीटर में कन्वर्ट करना। तो यहाँ देखिए 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, मिली सेंटी डेसी मीटर ऐसे होते हैं ना, अच्छा तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो डेसीमीटर मतलब छोटी यूनिट है, तो बड़ी यूनिट मतलब मीटर में जाना होगा, तो जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना होगा तो डिवाइड करना, तो यहाँ जो यूनिट डिफरेंस क्या है 10 है, तो 9 डेसीमीटर को 10 से डिवाइड देने से वो मीटर में आ जाएगी। आप सेंटीमीटर देखिए, देखिए 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो यहाँ 6 सेंटीमीटर है। अब देखिए सेंटीमीटर से हम मीटर में जा रहे हैं ना, तो यहाँ देखिए ये जो 6 है इसको 100 से डिवाइड देने से मीटर में आ जाएगी, तो 6/100 होगी। तो यहाँ देखिए 9/10 मतलब 0.9 है, 0.9, और यहाँ देखिए 6 को 100 से डिवाइड देने से देखिए 1 के बाद 2 जीरो है, तो यहाँ जो नंबर है ऊपर एक्सट्रीम राइट से लेफ्ट साइड में 2 डिजिट मूव होगी, तो एक डिजिट तो 6 है और एक डिजिट 0 से बना देना, तो 0.6 यहाँ पॉइंट होगी 0.06, तो 0.9 + 0.06, तो देखिए 0.9 और 0.06 है जिनको ऐड करना, तो 6 है 9 + 0 9 है और यहाँ पॉइंट है, तो मतलब 0.96 हो रही है लेंथ। तो यहाँ लिखना है यार लेंथ इज इक्वल टू 9 डेसीमीटर 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.96 मीटर, ये तो 0.96 मीटर। अच्छा आप देखिए ब्रेथ और वाइड सेम चीज़ है, ब्रेथ इज इक्वल टू यहाँ क्या है ब्रेथ 6 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर
तो 6 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब देखिए सेम इसकी तरह इसको भी कन्वर्ट करना, यहाँ डेसीमीटर है 6 तो 6 को और 10 से, और यहाँ सेंटीमीटर है तो 5 को 100 से, तो यहाँ 0.6 होगी और यहाँ 0.05 होगी, तो देखिए 0.65 होगी, 65 मीटर। अब देखिए एरिया, तो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू, इसकी एरिया निकालना, तो लेंथ इनटू ब्रेथ है ना, तो लेंथ क्या है 0.96 मीटर इनटू एरिया के ब्रेथ कितने हैं 0.65 मीटर है इज इक्वल टू, आप दोनों को इंटू करना 0.96 और 0.65, तो 5 6 30 कैरी ओवर 3, अच्छा 5 9 45 3 40 प्लस 3 48 है, अच्छा 6 6 36 6 कैरी ओवर 3 6 9 54 प्लस 3 57, अच्छा 0 है 8 प्लस 6 14 4 कैरी ओवर 1 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12 2 कैरी ओवर 1 5 प्लस 1 6 है। अब देखिए डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ इसमें दो डेसिमल के बाद दो डिजिट है, इसमें भी दो डिजिट है, तो 2 प्लस 2 4 है, तो देखिए यहाँ भी चार प्रोडक्ट जो होगी ना इस पर भी 4 डेसिमल होने चाहिए, तो 4 डेसिमल मतलब यहाँ पे डेसिमल होने चाहिए, तो 1 2 3 4 आ रही है, 4 आ रही है ना, तो लास्ट में 0 है, इसको लिखे जाना है कोई फर्क नहीं, तो 0.624 मीटर स्क्वायर। अच्छा अब देखिए व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ लेमिनेटिंग, तो आप ऐसे ही लिखना देयरफॉर कॉस्ट ऑफ लेमिनेटिंग द टेबल टॉप इज इक्वल टू, देखिए पर स्क्वायर मीटर 50 रुपये, तो यहाँ तो पूरा एक स्क्वायर मीटर नहीं है, तो इसको 50 से इंटू करना, देखिए 50 से कम आएगी क्योंकि यहाँ तो पूरा एक स्क्वायर मीटर नहीं है, 0.624 है, मतलब आधा स्क्वायर मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ₹50 इंटू पर स्क्वायर मीटर है ना, तो 0.624 है, अच्छा इज इक्वल टू रुपीस, आप इसको 50 से इंटू करना, तो 0.624 × 50, अच्छा अब देखिए 5 से इसको इंटू करना और लास्ट में 1 0 पुट कर देना, 50 के जो 0 है, तो 5 4 20 0 कैरी ओवर 2, 5 2 10 प्लस 2 12 2 कैरी ओवर 1, 5 6 30 प्लस 1 31 है, अच्छा अब लास्ट में ये जो 0 है लगा देना, अब देखिए यहाँ ये जो नंबर है डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो यहाँ भी 3 डिजिट होनी चाहिए, तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट होगी, ठीक है, तो यहाँ देखिए 31.200 मतलब 31.2 होगी, तो रुपीज़ 31.2 है, देखिए लास्ट में 0 है ना, ये जो डेसिमल के बाद लास्ट में जो 0 होते हैं 0 इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि 0 लगाने से वही 31.20 रुपये होगी, तो ये होता है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए फ्लोर ऑफ डाइमेंशंस 10 मीटर बाय 6 मीटर हैज टू बी कवर्ड विद ए कारपेट, इफ द कारपेट इज 1 मीटर वाइड व्हाट इज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द कारपेट, If the price of the carpet is ₹15 per square meter, what is the total price of the carpet? तो यहाँ देखिए एक फ्लोर है, मान लीजिए ये एक ऐसा फ्लोर है, अच्छा इसकी डायमेंशन दे रखा लेंथ 10 मीटर और ब्रेथ 6 मीटर, तो देखिए ये जो लेंथ ब्रेथ वाले फ्लोर है इसको कारपेट से ढकना, इसको कारपेट से कवर करना, मतलब कारपेट बिछा देना, ठीक है गलीचा, तो देखिए कारपेट की वाइड जो है ना ये 1 मीटर है, तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द कारपेट, तो कारपेट की लेंथ क्या होनी चाहिए, अगर वाइड क्या है 1 मीटर है, तो एक चीज़ पास देखिए यहाँ ये जो फ्लोर है, फ्लोर को पूरा पूरा कवर करने के लिए फ्लोर की एरिया इज इक्वल टू कारपेट के एरिया, तो पहले फ्लोर के एरिया निकल लीजिए, तो देखिए यार लेंथ ऑफ द फ्लोर एंड ब्रेथ ऑफ द फ्लोर, लेंथ ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू 10 मीटर, ब्रेथ ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू 6 मीटर, तो एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ है ना, तो 10 मीटर × 6 मीटर इज इक्वल टू 10 × 6 = 60 मीटर स्क्वायर, तो ये जो फ्लोर है इसकी एरिया आई 60 स्क्वायर मीटर, तो अब देखिए जो इसको कवर करने के लिए जो कारपेट है रिक्वायर्ड कारपेट की लेंथ क्या होनी चाहिए, जबकि ब्रेथ है वाइड है 1 मीटर, तो आप ऐसे ही लिखना एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू एरिया ऑफ कारपेट, तो दोनों के एरिया सेम होगी और एरिया क्या है 60 स्क्वायर मीटर है, तो आप देखिए therefore the required length of the carpet is equal to ये जो 60 स्क्वायर मीटर है ना, इसको देखिए जब एरिया को वाइड से डिवाइड देंगे हम तो लेंथ आएगी, और लेंथ से जब डिवाइड देंगे हम तो एरिया वाइड निकल आएगी, तो यहाँ देखिए वाइड कितने 1 मीटर है,
तो 1 मीटर से डिवाइड करना 1 मीटर तो इक्वल टू 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करने से वही नंबर होगी। तो 1 65 1 = 60 है और मीटर से मीटर की स्क्वायर कट जाएगी। देखिए मीटर स्क्वायर मतलब क्या है, मीटर इनटू मीटर है, तो 1 मीटर मीटर से कट गई तो सिर्फ मीटर मतलब m, तो 60 मीटर आया। क्या है परफेक्ट की जो रिक्वायर्ड लेंथ है। आप देखिए इसके साथ कंटिन्यूइंग क्वेश्चन क्या है, इफ द प्राइस ऑफ द परफेक्ट इज ₹15 पर स्क्वायर मीटर। तो देखिए पांच स्क्वायर मीटर रुपीज 15 है तो इतने स्क्वायर मीटर के लिए क्या होनी चाहिए, सॉरी इतने स्क्वायर मीटर के लिए देखिए ये तो एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू एरिया ऑफ कारपेट है ना, तो कारपेट की एरिया भी 60 स्क्वायर मीटर है। तो देखिए इसको देखिए पांच स्क्वायर मीटर ₹15 है तो 60 स्क्वायर मीटर के लिए 15 × 60 है। तो देयरफॉर आप लिखना प्राइस ऑफ कारपेट इज इक्वल टू रुपीज एट द रेट ऑफ रुपीज 15 पर स्क्वायर मीटर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो रुपीज 15 इंटू कितने 60 है। अच्छा यहाँ हम अमाउंट निकल रहे हैं ना, पैसे निकल रहे हैं मानी, तो यहाँ मीटर स्क्वायर जो है ना इसको मत लिखना। तो देखिए 6 15 90 है और इसकी एक जीरो लास्ट में लगा देना, तो ₹900 तो टोटल 900 रुपये होगी ये जो कारपेट है इसकी टोटल कॉस्ट। आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फाइंड द डिफरेंस इन एरियाज ऑफ ए रेक्टेंगल व्हिच इज 5 डेसीमीटर 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 डेसीमीटर 4 सेंटीमीटर वाइड एंड द स्क्वायर ऑफ साइड 4 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर, गिव योर आंसर इन स्क्वायर मीटर्स। तो ये बहुत इजी है, देखिए एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है मान लीजिए ऐसी है, कुछ ऐसी है रेक्टेंगल जिसकी लेंथ है 5 डेसीमीटर 4 सेंटीमीटर। देखिए 5 डेसीमीटर 4 सेंटीमीटर लॉन्ग मतलब लेंथ, लॉन्ग जो है ना ये लेंथ से आ रही है, तो 5 डेसीमीटर 4 सेंटीमीटर और जो वाइड है ये 3 डेसीमीटर 4 सेंटीमीटर और एक स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं ना, तो ये है एक स्क्वायर मान के चलिए, तो इसकी जो साइड है स्क्वायर के चारों साइड बराबर है, तो और एक साइड 4 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर है। तो आप देखिए दोनों की जो एरिया आती है ना इनकी डिफरेंस क्या है, तो यहाँ देखिए गिव योर आंसर इन स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर में निकलना, तो ये जो डेसीमीटर और सेंटीमीटर है इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना, वरना तो स्क्वायर मीटर में नहीं आएंगे। तो सॉल्यूशन में लिखना है यार लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 5 डेसीमीटर 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, देखिए 5 डेसीमीटर ये डेसीमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है और सेंटीमीटर को भी मीटर में कैसे कन्वर्ट करना, ये तो आपने सीख चुके पिछले क्वेश्चन में हमने देखे, तो ये 0.54 मीटर हो गए। अच्छा वैसे ही देखिए ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ब्रेथ क्या है 3 डेसीमीटर 4 सेंटीमीटर तो इज इक्वल टू देखिए 0.34 मीटर हो गए। अब देखिए एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 0.54 मीटर × 0.34 मीटर इज इक्वल टू, आप दोनों की एंट्री करना, तो 18.36 आ रही है, तो यहाँ देखिए दो में 4 डेसिमल्स है टोटल, 2 2 4 तो यहाँ भी 4 डेसिमल्स होना चाहिए, तो मतलब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट, तो 0.1836 तो 0.1836 स्क्वायर मीटर आ रही है रेक्टेंगल के एरिया। अब देखिए जो स्क्वायर है इसकी साइड, इसकी एरिया निकलना, तो पहले साइड देखिए अगेन या फिर ऑल्सो साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर 4 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.45 मीटर हो गए, ठीक है। तो अब देखना देयरफॉर एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होते हैं, तो साइड 0.45 है, 0.45 मीटर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसको स्क्वायर करना, तो देखिए 20 25 आ रहा है, तो देखिए 2 डेसिमल 2 डेसिमल कुल मिलाकर 4 डेसिमल्स है यहाँ, तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट पुट हो गई, क्योंकि डेसिमल के बाद इस पर भी 4 डेसिमल होने चाहिए, तो 1 2 3 4 हो गया, तो इसकी एरिया क्या आ रही है 0.2025 मीटर स्क्वायर। तो आप देखिए रेक्टेंगल के एरिया ये है, स्क्वायर के एरिया ये है, तो कौन सी किसकी एरिया बड़ा है रेक्टेंगल स्क्वायर के, तो अब आपको डिफरेंस निकलना है ना, तो डिफरेंस क्या है, तो देयरफॉर क्वेश्चन में फाइंड द डिफरेंस इन एरियाज, तो देयरफॉर डिफरेंस इन एरियाज इज इक्वल टू यहाँ पर लिख देना, तो ये तो बड़ा है, तो 0.2025 मीटर स्क्वायर माइनस 0.1836 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, आप देखिए माइनस करना, तो देखिए पॉइंट
2025 और 0.1836। तो 15 माइनस 6 9 है। अच्छा यहाँ 11 माइनस 3 8 है, यहाँ क्या बचा 9 बचा, 9 माइनस 8 1 है, और यहाँ तो 1 तो बड़ा कर लिया तो 1 हो, 1 माइनस 1 0 है। तो देखिए यहाँ एक्सट्रीम राइट में 0 देना पड़ेगी क्योंकि यहाँ एक डेसिमल पॉइंट है, आप डेसिमल पॉइंट पुट करना। देखिए एक्सट्रीम राइट में तो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में तो हम 0 पुट नहीं करते अगर आ जाए माइनस करके, लेकिन यहाँ डेसिमल पॉइंट है तो मामला अलग है, डेसिमल पॉइंट के बाद है तो 0 पुट करनी पड़ेगी कितने भी 0 हैं। तो इज इक्वल टू 0. यहाँ पे 0.0 लगा देना तो 0189 मीटर स्क्वायर। तो फाइनल डिफरेंस ये आ रही है। इजी आप क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ए पेंटिंग ऑफ डायमेंशंस 40 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इज फ्रेम्ड विद ए रोज सिल्क बॉर्डर विद 8 सेंटीमीटर ऑन ऑल इट्स साइड्स। फाइंड द एरिया ऑफ द रोज सिल्क इज्ड एंड द टोटल एरिया ऑफ द फ्रेम्ड पेंटिंग। तो मान लीजिए एक पेंटिंग ऐसा है, ठीक है, तो ये जो पेंटिंग है ये 40 सेंटीमीटर लेंथ है, 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर ब्रेथ है, ठीक है। तो ये जो पेंटिंग है ना, इसके चारों तरफ एक सिल्क लगाना, सिल्क के बॉर्डर लगाना। देखिए ए रो सिल्क बॉर्डर जिसकी वाइड क्या है 8 सेंटीमीटर है साइड। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का एक बॉर्डर लगाना। देखिए किसी भी पेंटिंग को या फिर फोटोकॉपी को क्या करते हैं लोग, शीशे की जो फ्रेम होते हैं ना इसमें बाइंडिंग करके रखते हैं ना, तो ऐसे ही रखते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसे है फ्रेम, और ये जो फ्रेम है ना ये पर्सन 8 सेंटीमीटर, यहाँ भी 8 सेंटीमीटर, यहाँ भी 8 सेंटीमीटर, यहाँ भी 8 सेंटीमीटर करके हैं। तो एक चीज़ देखिए, ये तो ओरिजिनल जो पेंटिंग है इसकी लेंथ है। आप देखिए जो फ्रेम लगाया जाता है ना तो इस साइड में 8 सेंटीमीटर बढ़ते हैं, इस साइड में भी 8 सेंटीमीटर बढ़ते हैं, तो 8 प्लस 8 क्या होता है 16 होते हैं। तो देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक लेंथ 16 सेंटीमीटर होते हैं, और यहाँ यहाँ भी तो सेम होगी ना। आप इसकी लेंथ वाइड देखते हैं, यहाँ देखिए 30 सेंटीमीटर, तो जब इसको फ्रेम में बाइंड किया जाता है तो यहाँ 8 सेंटीमीटर इस साइड में और इस साइड में भी और 8 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो 8 प्लस 8 16 होते हैं, तो ब्रेथ में भी 16 सेंटीमीटर इजाफा हो जाते हैं, तो 30 प्लस 16 46 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये तो पूरा फ्रेम है, पूरा फ्रेम के साथ इस बाइंडिंग की जो लेंथ ब्रेथ है 56 है, 56 सेंटीमीटर और 46 सेंटीमीटर है। ओरिजिनल जो पेंटिंग है 14 x 30 सेंटीमीटर है। आप देखिए ये जो फ्रेम है, ये सिंगल फ्रेम की जो एरिया होते हैं इसको निकलना, और पूरा जो पेंटिंग होते हैं विथ फ्रेम दोनों के एरिया ही निकलना। तो पहले देखिए हम क्या करेंगे, ये जो पूरा एरिया पूरा पेंटिंग है विथ कवर मतलब विथ ये जो बाइंडिंग है सिल्क कपड़े की, तो इसके एरिया निकालेंगे। तो देखिए यार लेंथ ऑफ द टोटल फ्रेम इज इक्वल टू ओरिजिनल 40 है, 40 प्लस 16 इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। अच्छा ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ द फ्रेम इज इक्वल टू क्या है, ओरिजिनल तो 30 है तो 30 प्लस फिर 16 होगी, 8 प्लस 16 इज इक्वल टू 46 सेंटीमीटर। अब देखिए एरिया ऑफ द टोटल फ्रेम पेंटिंग, एरिया ऑफ द टोटल फ्रेम पेंटिंग इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर इंटू 46 सेंटीमीटर 2576 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये पूरा फ्रेम की, ये तो आ गया पूरा फ्रेम की है ना, पूरा फ्रेम की, तो पूरा फ्रेम की भी हम एरिया निकालना। अब देखिए ये जो सिर्फ सिल्क कपड़े की जो बाइंडिंग होते हैं फ्रेम होते हैं, सिर्फ ये जो फ्रेम है इसकी एरिया क्या होगी, तो यहाँ देखिए ये जो पेंटिंग है पेंटिंग की एरिया पूरे फ्रेम के एरिया से माइनस कर देना आ जाएगी। तो आप देखिए एरिया ऑफ द पेंटिंग इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4312 और 20 है तो 1200 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या है, ये आपकी सिर्फ पेंटिंग की एरिया है। आप देखिए ये जो फ्रेम है सिल्क की फ्रेम है जस्ट इस फ्रेम के एरिया निकलना, तो देयर फोर एरिया ऑफ द सिल्क बॉर्डर इज इक्वल टू ये जो पूरा फ्रेम की एरिया है ना इससे इसको माइनस कर देना, तो 2576 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस 1200 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1376 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आया आपके आंसर।
दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ए रूम विद ए फ्लोर ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड वाइड 3.2 मीटर हैज ए टाइल्ड बॉर्डर ऑफ वाइड 25 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द बॉर्डर एंड द रिमेनिंग एरिया ऑफ द फ्लोर। तो यहां देखिए, मान लीजिए ये है फ्लोर, ये फ्लोर मान लीजिए, देखिए इसकी लेंथ 4 मीटर है, 4 मीटर और ब्रेथ है 3.2 मीटर, ठीक है। अब इसके चारों तरफ टाइल्स की बॉर्डर लगा हुआ है, तो कुछ ऐसा है टाइल्स की बॉर्डर, ठीक है, अंदर में है, यह बाहर नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में जो बॉर्डर होती थी ना वो बाहर में, तो अब जो बॉर्डर है टाइल्स की बॉर्डर वो अंदर में। देखिए टाइल्स की बॉर्डर तो रूम के अंदर में ही होगी ना, बाहर तो थोड़ी होगी। तो यहाँ देखिए ये जो वाइट है टाइल्स की बॉर्डर की, ये वाइट चारों तरफ बराबर है, एक ही बराबर है, और वो क्या है 25 सेंटीमीटर है। तो ये तो 25 सेंटीमीटर है भाई, 25 है ना, 25 सेंटीमीटर। तो अब देखिए ये तो मीटर में है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना। तो देखिए 25 सेंटीमीटर को हम अगर 100 से 25 को डिवाइड दे देना 25 को अगर 100 से हमने डिवाइड दे तो ये मीटर में आ जाएगी, तो 0.25 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखिए, अब आपको क्या निकलना, ये जो एरिया है, ये जो बॉर्डर एरिया है टाइल्स की जो बॉर्डर है, इसकी एरिया और रिमेनिंग पार्ट मतलब बॉर्डर के बाद जो होते हैं ना, इसकी एरिया निकलना, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या है 4 मीटर और ब्रेथ क्या है, यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ है 3.2 मीटर। तो आप जो 0.25 मीटर की जो बॉर्डर है इसको काट देना, तो रिमेनिंग जो पार्ट है, ये जो ब्लैंक रिमेनिंग पार्ट है, इसकी एरिया आ जाएगी। तो यहाँ देखिए है आर लेंथ ऑफ द फ्लोर इज इक्वल टू 4 मीटर और ब्रेथ 3.2, ठीक है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द फ्लोर इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ है ना, तो 4 मीटर इनटू 3.2 मीटर, तो 4 इनटू 3.2 12.8 मीटर स्क्वायर। अब ये जो फ्लोर है, जस्ट रिमेनिंग फ्लोर है, रिमेनिंग फ्लोर के डायमेंशंस निकालना, मतलब लेंथ और ब्रेथ निकालना, यानी कि 4 मीटर से 0.25 मीटर माइनस कर देने से हो जाएगी। तो यहाँ एक देखिए, इतने तक तो 4 मीटर है और ब्रेथ इतने तक 3.2 मीटर है, तो इस साइड भी 0.25 मीटर, इस साइड भी, इस साइड में भी, इस साइड में भी, तो इस साइड 0.25, इस साइड में भी 0.25, तो 0.25 प्लस 0.25 इज इक्वल टू 0.50 यानी 0.5, तो 0.5, तो चारों देखिए लेंथ और ब्रेथ से 0.5 मीटर माइनस कर देना, तो जो रिमेनिंग पार्ट है, जो रिमेनिंग फ्लोर है, इसकी डायमेंशंस आ जाएगी। तो आप लिख दें लेंथ ऑफ द रिमेनिंग फ्लोर, लेंथ ऑफ द रिमेनिंग फ्लोर क्या है, 4 मीटर है ना ओरिजिनल, तो 4 मीटर से माइनस 0.25 दो बार है, तो 0.25 प्लस 0.25 0.5 है, 0.5 मीटर इज इक्वल टू क्या होगी, देखिए 4 से आधा माइनस कीजिए तो 3.5 होगी, तो 3.5 मीटर हो जाएगी। वैसे ही ये 3.2 है ना, 3.2 मीटर से माइनस कर दीजिए दोनों तरफ से, तो 0.5 होगी, तो 0.5 है इज इक्वल टू, देखिए 3.5 और 0.5, सॉरी यह 3.2 है, तो 12 माइनस 5 7 है, पॉइंट है, और यहाँ 2 बचा तो 2.7 हो गया, तो 2.7 मीटर है। तो देयरफॉर आप जो रिमेनिंग फ्लोर है इसकी एरिया निकल देना, ये है लेंथ, ये है ब्रेथ, तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग फ्लोर इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ है ना, तो लेंथ 3.5 मीटर इनटू ब्रेथ 2.7 मीटर इज इक्वल टू इनटू करना, तो 9.45 आ रही है, 9.45 मीटर स्क्वायर। ये जस्ट रिमेनिंग एरिया की है, आप देखिए बॉर्डर की, तो पूरा जो फ्लोर है वो टाइट बॉर्डर, ये 12.8 मीटर स्क्वायर, तो इससे ये जो रिमेनिंग फ्लोर है इसके एरिया माइनस कर दीजिए, तो सिर्फ टाइट बॉर्डर की जो एरिया है वो आ जाएगी। तो ऐसे लिखना, देयरफॉर एरिया ऑफ द टाइट बॉर्डर इज इक्वल टू, इससे इसको माइनस करना, 12.8 मीटर स्क्वायर माइनस 9.45 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए 12.8 से 9.45, अच्छा यहाँ लाइक डिसिमल बनाना, जीरो से तो 10 माइनस 5 5 है, यहाँ 7 माइनस 4 3 है, अच्छा तो यहाँ 12 है, 12 माइनस 9 3 है, तो 3.35 है, तो इज इक्वल टू 3.3
5 मीटर स्क्वायर। तो ये है और ये है फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ए रूफ ऑफ डायमेंशन 6.5 मीटर एंड 5.5 मीटर इज कवर्ड ऑन ऑल साइड्स बाय ए 1 मीटर हाई वॉल ऑफ वाइड 30 सेंटीमीटर। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रूफ इज कवर्ड विद ए वाटर प्रूफ कवरिंग एट रुपीज 29 पर स्क्वायर मीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द वाटर प्रूफिंग। तो यह प्रूफ ऐसी है, एक छत है कुछ इस टाइप की, ये लेंथ है 6.5 मीटर और ब्रेथ है 5.5 मीटर। ये जो ब्रेथ रूफ है चाहता है, इसके चारों और चारों तरफ क्या है 1 मीटर हाइट और 30 सेंटीमीटर वाइड, यानी कि ब्रेथ की एक वॉल है चारों तरफ। तो मान लीजिए ऐसा है, कुछ ऐसा एक वॉल है चारों तरफ ऐसा है, इस वॉल के हाइट 1 मीटर है और ब्रेथ जो है ना ये 30 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये जो 1 मीटर हाइट है इससे हमें कोई लेना देना नहीं, कैलकुलेशन में ये कोई काम के नहीं, यह हमारे काम की है 30 सेंटीमीटर की, क्योंकि ये जो 30 सेंटीमीटर की कवरिंग हो रही है ना वॉल की, इस रूफ पे छत पे हो रही है। तो बाकी जो पर्सन है, ये जो रिमेनिंग पर्सन है, ये जो पर्सन है, ये पर्सन वाटर प्रूफ बनाया गया, ऐसे डिज़ाइन किए गए, ऐसे इसको बनाए गए ताकि ये वाटर प्रूफ बन जाए। तो ये वाटर प्रूफिंग के लिए, वाटर प्रूफिंग कवरिंग के लिए पर स्क्वायर मीटर रुपीज 9 है, 9 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर में होते हैं। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसकी पहली एरिया निकल लीजिए, तो जो स्क्वायर मीटर आएगी ना पास स्क्वायर मीटर 9 के हिसाब से, 9 रुपये के हिसाब से हम निकाल लेंगे। तो एक काम करना, यहाँ देखिए यह जो लेंथ है 6.5 है, तो ये जो बॉर्डर है ना, ये वॉल की जो बॉर्डर है इस चाक पर, ये चारों तरफ बराबर है मतलब 30 सेंटीमीटर के, तो यहाँ 6.5 मीटर है, लेंथ ब्रेथ मीटर में है, तो ये जो बॉर्डर है इसके वाइड सेंटीमीटर में है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना, तो 30 सेंटीमीटर ये 0.3 मीटर हो गई। तो ऐसा ही लिखना है यार, वाइड ऑफ द बॉर्डर वॉल इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर, 0.3 मीटर है। अच्छा आप देखिए, ये जो पूरा छत है इसकी लेंथ ब्रेथ से 0.3 मीटर माइनस करना, तो देखिए देयरफॉर लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रूम इज इक्वल टू 6.5 मीटर से 0.3 मीटर माइनस कर देना, 6.5 मीटर माइनस 0.3 मीटर इज इक्वल टू 6. अच्छा यहाँ एक चीज़ देखिए, दोनों तरफ से 0.3 माइनस हो रही है, तो 0.3 दोनों तरफ से, तो इस तरफ से, इस तरफ से, तो 2 से इंटू करना, तो 2 3 6 है, तो 0.6, तो यहाँ 0.3 नहीं 0.6 मीटर होनी चाहिए, तो 6.5 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 5.9 मीटर हो गए। अच्छा आप देखिए, ब्रेथ इज इक्वल टू, ब्रेथ क्या है 5.5 मीटर, माइनस इसे भी 0.6 मीटर माइनस करना, तो इज इक्वल टू 4.9 हो गए, 4.9 मीटर हो गए। अब देखिए एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रूफ इज इक्वल टू, तो देखिए 4.9 इंटू 5.9 28.91 मीटर स्क्वायर होगी। अब देखिए पर स्क्वायर मीटर क्या है, रुपीज 9 है वाटर प्रूफिंग के लिए, तो देखिए फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वाटर प्रूफिंग। तो ऐसा लिखना, द टोटल कॉस्ट ऑफ द वाटर प्रूफिंग इज इक्वल टू, ये जो एरिया है ना इसको 9 से इंटू करना, क्योंकि ये पर स्क्वायर मीटर है 9 रुपीज, तो इतने स्क्वायर मीटर रुपीज स्क्वायर मीटर में 9 इंटू ये होगी एरिया, रुपीज 9 इंटू 28.91 इज इक्वल टू 260.19 रुपीज़ होगी। ठीक है, वैसे आप क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ए बॉर्डर ऑफ 3 सेंटीमीटर वाइड इज प्रिंटेड ऑन 500 शीट्स ऑफ पेपर, ईच ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड वाइड 30 सेंटीमीटर, इफ इट कॉस्ट 50 पैसे टू प्रिंट 100 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ बॉर्डर, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग द बॉर्डर। तो मतलब देखिए क्वेश्चन की मतलब कुछ ऐसा ही है, मान लीजिए ये एक शीट है, पेपर की शीट, कागज की एक टुकड़ा है रेक्टेंगुलर टाइप की, ठीक है, तो ऐसी 500 शीट्स पर बॉर्डर लगाना होगा, बॉर्डर प्रिंट करना होगा, बॉर्डर ऑफ 3 सेंटीमीटर वाइड। तो पहले देखिए ये जो कागज की टुकड़ा है इसकी लेंथ ब्रेथ क्या है, लेंथ 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 30 सेंटीमीटर,
ठीक है। अच्छा तो देखिए ऐसे ही 500 कागज के टुकड़े प्रिंट करना है बॉर्डर को, तो वाइड कितने हैं 3 सेंटीमीटर के, तो मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर वाइड है, यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर वाइड है, अच्छा यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर वाइड है, यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर वाइड है, तो 3 सेंटीमीटर वाइड करके ऐसे ही 500 शीट पर कागज की टुकड़ी पर आपके क्या करना, प्रिंट करना, कलर करना। तो देखिए अगर पर 100 स्क्वायर मीटर में पैसे खर्च होते हैं 50 पैसे, आधे रुपये 50 पैसे, आजकल 50 पैसे के बेल तुड़ी होते हैं ना, अच्छा तो बहुत सारे 50 पैसे इकट्ठे करके बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। अच्छा तो 40 सेंटीमीटर वाइड लेंथ वाइड है 30 सेंटीमीटर, ऐसे 500 टुकड़े की, तो पहले भी की ये जो स्ट्रिप है बॉर्डर है, बॉर्डर के एरिया निकलना, तो बॉर्डर के एरिया निकलने के लिए पहले ये जो कागज के टुकड़ा है ना इसके एरिया निकल लीजिए, इसके बाद बॉर्डर के एरिया हम आराम से निकल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ जो बॉर्डर है बॉर्डर की वाइड 3 सेंटीमीटर है, ये जो बॉर्डर की वाइड है ना ये 3 सेंटीमीटर करके है, तो सब यहाँ सेंटीमीटर में दे गए हैं, तो आराम से, तो यहाँ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, तो सोल्यूशन में यहाँ देख लीजिए लेंथ ऑफ ईच शीट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, अच्छा ब्रेथ ऑफ ईच शीट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अच्छा फाइनली आपको क्या निकलना, देखिए ये जो बॉर्डर है इस बॉर्डर के एरिया निकलना, तो आप देखिए देयरफॉर एरिया ऑफ द शीट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ 40 सेंटीमीटर इनटू 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 3 12 है और 2 0 दो में है, तो यहाँ लास्ट में लिख देना, तो यहाँ स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये जो कागज का पूरा टुकड़ा है इसकी एरिया और ये के एरिया 1200 स्क्वायर सेंटीमीटर है, ठीक है। आप देखिए ये जो बॉर्डर है बॉर्डर के एरिया निकलना, तो यहाँ एक चीज़ देखिए बॉर्डर में जो बॉर्डर के बाद जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं कागज में, तो इसके एरिया निकलना और इसके एरिया से माइनस कर देना, पूरे एरिया से माइनस कर देना, तो ये जो बॉर्डर के एरिया आ जाएगी। तो अब देखिए लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द शीट क्या है, ऐसा ही था ना, तो ये बॉर्डर था, ठीक है ऐसा ही कुछ बॉर्डर था ना, तो ये जो बॉर्डर था इस बॉर्डर की वाइड 3 सेंटीमीटर है, तो पूरा जो है ना ये 40 सेंटीमीटर है लेंथ और ये ब्रेथ 30 सेंटीमीटर, तो 40 और 30 दोनों ही से 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, मतलब इधर से 3 सेंटीमीटर इधर से भी 3 सेंटीमीटर, तो 3 प्लस 3 6 सेंटीमीटर, तो लेंथ 40 माइनस 6 इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर होगी। अब वाइड भी ऐसी ही होगी, तो वाइड या फिर ब्रेथ देखिए 30 यहाँ से 3 सेंटीमीटर यहाँ से 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 प्लस 3 6 6 सेंटीमीटर माइनस करना, तो 30 माइनस 6 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द शीट लेंथ इनटू ब्रेथ है ना, तो 34 सेंटीमीटर इनटू 24 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दोनों को इंटू करना 816 है, तो 816 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए बॉर्डर के एरिया निकलना, मतलब इस एरिया से इस एरिया की एरिया को माइनस कर देना, वैसा लिखना देयरफॉर एरिया ऑफ द बॉर्डर इज इक्वल टू 1200 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस 816 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू, देखिए 1200 से 816 माइनस करें तो 10 माइनस 6 4 है, अच्छा 9 माइनस 1 8 है, यह 12 एलिवे एलिवे माइनस 8 3 है, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये सिर्फ एक टुकड़े की एक शीट की बॉर्डर की एरिया है, तो अब ऐसे ही 500 की निकलना है ना, 500 की देखिए पर 100 स्क्वायर मीटर के लिए 50 पैसे, तो एक चीज़ देखिए पर 100 स्क्वायर मीटर, तो पहले इसके साथ देखिए ये तो एक बॉर्डर के एरिया है, तो इसके साथ 500 इंटू करें, 500 इंटू करना 500 इंटू 384 ठीक है। अच्छा आप देखिए 50 पैसे पर 100 स्क्वायर मीटर, तो ये भी स्क्वायर मीटर में है, तो पर 100 स्क्वायर मीटर है ना, 100 स्क्वायर मीटर के अगेंस्ट में कितने पैसे, 50 पैसे 50 पैसे ठीक है। अच्छा दूसरे एक चीज़ देखिए यहाँ पैसे में है, तो इसको रुपये में भी कन्वर्ट करना, तो 100 पैसे एक रुपये, तो इसको अगर फिर से 100 से डिवाइड दी जाए ना, तो ये जो पैसा है ये रुपये में आ जाएगी ठीक है,
ये जो एक्सप्रेशन है पूरा एक्सप्रेशन को यहाँ उठा के लिख देना, और ये जो स्टेटमेंट है सेंटेंस है इसको मैं आपको बोल दूंगा। तो सेंटेंस ऐसा ही है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग द बॉर्डर ऑफ 500 शीट्स इज इक्वल टू, तो देखिए रुपीज 50/100, तो ये पैसे से रुपये में गया, इंटू देखिए 500 into 384 डिवाइडेड बाई, इसको अगर 100 से डिवाइड किया जाए ना तो पर 100 मीटर के हिसाब से, स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से आ जाएगी, तो इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे काट कूट कर देना, तो एक जीरो काट देना, यहाँ से एक जीरो काट देना। अब देखिए 5 से इसको इंटू करना, ऊपर देखिए 5 और 384 बचा और नीचे सिर्फ इसकी 10 बचा, तो 5 देखिए 5 4 20 जीरो कैरी ओवर 2, 5 8 40 + 2 42 कैरी ओवर 4, 5 3 15 + 4 19 19, ठीक है। अच्छा तो इसको 10 से डिवाइड देना ना, नीचे 10 भी है, तो देखिए 0 से 0 काट गया तो 192 आया। अच्छा फिर से देखिए यहाँ 5 है, फिर से इसको 5 से इंटू करना, तो अच्छा 5 से इंटू करने से देखिए 5 2 10 0 कैरी ओवर 1 5 9 45 + 1 46 6 कैरी ओवर 4 5 5 + 4 9 960 है, तो इज इक्वल टू रुपीज 960, तो टोटल कॉस्ट आएगी 960 रुपये। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ डायमेंशन 42 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर इज यूज्ड टू मेक ए बॉक्स, स्क्वायर्स ऑफ साइज 6 cm × 6 cm आर कट आउट फ्रॉम ऑल फोर कॉर्नर्स, सी फिगर, द रिमेनिंग पोर्शन इज फोल्डेड टू मेक ए बॉक्स, द इनर सर्फेसेस ऑफ द बॉक्स आर पेंटेड, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेंटेड सर्फेसेस। तो इस क्वेश्चन के समय पूछे थे, ये है एक बॉक्स नहीं, ये एक कार्डबोर्ड है, ये जो कार्डबोर्ड है इसकी देखिए चारों कोना से 6 cm × 6 cm करके एक टुकड़ा निकाल लेना। तो देखिए ये जो कोना है ये 6 cm करके, ये भी 6 cm ऐसा ही, ये जो चारों कोना है 6 cm × 6 cm करके निकाल लेना। तो ये जो कार्डबोर्ड है इसकी टोटल लेंथ है 42 cm और ब्रेथ है 32 cm, ठीक है। अच्छा तो चारों कोने से अगर चार टुकड़ा 6x6 मेजरमेंट्स की निकल लिया जाए तो ऐसा होगी, देखने में कुछ ऐसी होगी, ऐसे ही देखने में लगेगी, ठीक है। तो अब जो ये जो एक्स्ट्रा टुकड़ा है ना दोनों साइड में, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, चारों साइड में जो तार चार एक्स्ट्रा साइड है इसको फोल्ड करके खड़ा कर देना, इसको ऊपर खड़ा कर देना, इसको भी और इसको भी, इस साइड की भी, तो एक बॉक्स टाइप बन जाएगी। तो अब जो इनर सर्फेस होगी ना, इनर सर्फेस की एरिया क्या होनी चाहिए, इनर सर्फेस मतलब क्या, जब ये बॉक्स टाइप बन जाएगी ना तो ये साइड ऊपर आएगी, ये साइड ऊपर आएगी, तो यहाँ क्या होगी देखिए, ये बॉक्स की एक साइड होगी, ये भी एक साइड होगी, और ये भी एक साइड होगी, ये भी एक साइड होगी, चार साइड्स होगी। और ये जो फ्लैट है ना सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस है और ये खड़ा जो सरफेस है, मान लीजिए एक रूफलेस रूम है जिसके छत नहीं है, एक ऐसा रूम है तो चार तरफ चार दीवार है और नीचे फ्लोर है, मान लीजिए ऐसी है स्ट्रक्चर है, तो इसकी पूरी एरिया क्या है। तो अब एक चीज़ देखिए, यहाँ जो पूरा कार्डबोर्ड है ना, इस पूरा कार्डबोर्ड की जो एरिया है इसको निकाल लीजिए। इसके बाद यहाँ देखिए चार कोने से चार टुकड़ा बाद है ना, इसको तो काट के फेंक दिया, तो आप क्या करना, ये तो 6 cm, ये भी 6 cm, ये जो 6 cm, ये जो 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6 है, तो 6 cm × 6 cm, तो 6 6 36 cm स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इस कोना जो निकल गया ना 36 स्क्वायर सेंटीमीटर की एरिया की है, इसकी भी सेम 36 स्क्वायर सेंटीमीटर की एरिया, इसकी भी सेम 36 cm की स्क्वायर की, इसकी भी 36 स्क्वायर सेंटीमीटर की एरिया है, तो 4 36 स्क्वायर सेंटीमीटर की एरिया टोटल कार्डबोर्ड की एरिया से माइनस कर देना। तो ऐसा ही लिखना, लेंथ ऑफ द कार्डबोर्ड इज इक्वल टू 42 cm, फिर से ब्रेथ ऑफ द कार्डबोर्ड इज इक्वल टू 32 cm, देयरफॉर एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ है ना, तो 42 cm × 32 cm इज इक्वल टू इंटू करना, तो 1344 स्क्वायर सेंटीमीटर पूरा जो सरफेस है, पूरा जो कार्डबोर्ड है इसके एरिया है।
अब देखिए चारों कोना की जो चार एरियाज होते हैं स्क्वायर टाइप है ना, तो सब के बराबर है एरिया, तो इसको माइनस कर देना। तो देखिए अगेन ये तो स्क्वायर टाइप है, ठीक है, तो डायरेक्ट ऐसे ही करना साइड ऑफ द स्क्वायर शेप्ड कॉर्नर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड कॉर्नर इज इक्वल टू, ये तो स्क्वायर शेप है ना, तो स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, तो साइड 6 है, तो 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक कोना की है, आप चार कोना के मतलब इसको 36 को 4 से इंटू करने से हो जाएगा, तो डायरेक्ट ऐसे ही निकल लेना। देयरफॉर द इनर सरफेस ऑफ द बॉक्स, द एरिया ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू टोटल, तो ये टोटल एरिया ये है 1344 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस हो रही है कोना की 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ऐसे चार कोना, तो 4 × 36 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1344 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस 436 जार, देखिए 46 जार 24, 430 जार 120, तो 144 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गए, तो इज इक्वल टू 1344 माइनस 144 इज इक्वल टू 1200 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अल्टीमेट रिजल्ट ये है भाई, बहुत इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 36 मीटर लॉन्ग एंड 22 मीटर वाइड, इट हैज टू क्रॉस रोड्स, वन पैरेलल टू इट्स लेंथ एंड अदर द अदर पैरेलल टू इट्स वाइड, फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स इफ ईच इज 1.5 मीटर वाइड। तो देखिए एक रेक्टेंगुलर फील्ड है कुछ ऐसा है जिसकी लेंथ है 36 मीटर और ब्रेथ है 22 मीटर। अच्छा अब देखिए इट हैज़ टू क्रॉस रोड्स, तो दो क्रॉस रोड होते हैं, मान लीजिए ये एक रोड है इस पार से इस पार तक, और यहाँ भी एक रोड है इस पार से इस पार तक, दो क्रॉस रोड है ऐसा ही कुछ ऐसा ही मान लीजिए। तो देखिए वन पॉइंट, ये जो क्रॉस रोड की वाइड है ना 1.5 है, ये भी 1.5 मीटर है, ठीक है। अच्छा तो यह कह रहे हैं कि एक क्रॉस रोड लेंथ की पैरेलल है, मतलब लेंथ की सीधा सीधी है, और एक ब्रेथ की सीधा सीधी मतलब पैरेलल है। अच्छा तो अब ये जो क्रॉस रोड है ना, ये जो क्रॉस रोड है, इन दोनों क्रॉस रोड की टोटल एरिया निकलना, तो इसको देखिए बहुत शॉर्टकट तरीके से हम कर सकते हैं। कैसे देखिए, ये जो रोड है दोनों रोड की वाइड बराबर है, चौड़ाई बराबर है, अब लेंथ हिसाब करना। तो देखिए लेंथ जब हम यहाँ से लेंगे ना, तो ये तो पूरा लेंथ की पैरेलल है, पैरेलल है मतलब लेंथ की बराबर भी है, तो 36 मीटर है। अब ये जो रोड हम लेंगे ना, इस रोड की ये जो वाइड है या फिर ब्रेथ है, इसकी पैरेलल है मतलब इसकी बराबर भी है, तो ये प्लस 22 मीटर है। देखिए दोनों की लेंथ एक साथ चल रही है, एक ही साथ हम कर सकते हैं। इस रोड की लेंथ इसकी बराबर मतलब 36 मीटर, इस रोड की लेंथ इसके बराबर मतलब 22 मीटर है। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, ये जो पर्सन है, ये जो कॉमन पर्सन है, ये डबल काउंटिंग हो गया क्योंकि जब यहाँ से हम लेंथ मेजर किया तो ये टुकड़ा आया, जब यहाँ से भी मेजर किया तब भी ये टुकड़ा आ गया, तो डबल काउंटिंग हो गया। तो ये डबल काउंटिंग एवर्ट कैसे करें, तो आप देखते हैं ये जो पर्सन है ये एक स्क्वायर टाइप होगी। देखिए पूरा रोड की तो एरिया क्या वाइड क्या है 1.5 मीटर है, तो आप देखिए ये जो पर्सन है, ये पर्सन 1.5 और ये जो पर्सन की डिस्टेंस 1.5 है, तो ये 1.5 × 1.5 की जो एक एरिया है ये डबल आ गई काउंटिंग में, तो इसको निकाल लेना माइनस कर देना। तो यहाँ देखिए शॉर्टकट ऐसे लिखना, लेंथ ऑफ द टू रोड्स इज इक्वल टू, देखिए 36 मीटर प्लस 22 मीटर, 36 मीटर प्लस 22 मीटर इज इक्वल टू, 36 प्लस 22 कितने हैं 58 मीटर है टोटल लेंथ दोनों रोड्स की। आप देखिए ब्रेथ ऑफ द रोड, तो ब्रेथ तो बराबर है दोनों की 1.5 मीटर है। अच्छा अब देखिए टोटल एरिया ऑफ बोथ द रोड्स इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ,
58 मीटर इंटू 1.5 मीटर इज इक्वल टू, तो देखिए 87 स्क्वायर मीटर। अच्छा अब देखिए ये फाइनल आंसर नहीं है भाई, ये जो कॉमन क्वेश्चन है ना इसको निकाल लेना। तो देखिए ऐसे ही लिखना, नाउ एरिया ऑफ द क्रॉस रोड्स, ये तो एरिया ऑफ बोथ द रोड्स, दोनों रोड्स की टोटल एरिया, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ द क्रॉस रोड्स मतलब ये जो क्रॉस हुआ ना, क्रॉस पोर्शन में डबल काउंटिंग आया, इसको अवॉइड करना। तो कैसे करते, देखिए इज इक्वल टू पूरा तो 87 मीटर स्क्वायर आया ना, 87 मीटर स्क्वायर माइनस, ये मैंने पहले क्या कहा था, ये एक स्क्वायर टाइप है जिसकी लेंथ रहती यानी कि साइड 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर होल स्क्वायर, 1.5 इंटू 1.5 तो 2.25 स्क्वायर मीटर हो गए, ठीक है। देखिए इज इक्वल टू 87 मीटर स्क्वायर माइनस 1.5 इंटू 1.5 और मीटर स्क्वायर है, इज इक्वल टू 87 से 2.25 माइनस करें तो 87 और 2.25 तो यहाँ 0 दिया, तो 10 माइनस 5 5 है, 9 माइनस 2 7 है, डेसिमल पॉइंट है। अच्छा यहाँ 6 माइनस 2 4 है, तो यहाँ 8 है, तो 84.75 है, तो इज इक्वल टू 84.75 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो ये होते हैं फाइनल आंसर। तो ये जो क्रॉस रोड है, दो क्रॉस रोड्स है, दोनों की एरिया 84.75 स्क्वायर मीटर है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, टू रोड्स ऑफ वाइड 3 मीटर रन परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन द मिडिल ऑफ अ गार्डन एज शोन इन द फिगर, द गार्डन इज ऑफ लेंथ 100 मीटर एंड ब्रेथ 80 मीटर, द रोड्स आर लेड एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 11 पर मीटर स्क्वायर एंड द रिमेनिंग गार्डन इज लेवल्ड एट रुपीज 5 पर स्क्वायर मीटर, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट। तो ये जो क्वेश्चन है 20 नंबर, ये बिल्कुल 19 नंबर की तरह सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ फाइनली और भी कुछ आंसर निकलना होगा, मतलब यहाँ पैसे का मामला है भाई, पैसे निकलना होगा पैसे। तो यहाँ देखिए ये जो चीज़ मैंने क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा था ना, इसको सेम वैसा ही रख दिया क्योंकि ये काम आएगी इस क्वेश्चन में भी। तो देखिए अब देखिए सेम क्वेश्चन तो है, लेकिन यहाँ लेंथ क्या है 100 मीटर है, 100 मीटर और ब्रेथ जो है ना ये 80 मीटर है, 80 मीटर, और ये जो रास्ता है ये भी परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ क्रॉस है, एक रास्ता दूसरे रास्ते पर परपेंडिकुलरली लाई कर रही है, ये मतलब इसकी तरह है, मतलब क्रॉस कर रही है, परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही है, तो इसकी चौड़ाई ये जो रास्ता है 3 मीटर है, ये 3 मीटर, ये भी 3 मीटर है, तो सेम ऐसा ही सेम कर लेना भाई। तो लेंथ ऑफ टू रोड्स एक साथ हम कर लेंगे, 100 प्लस 80 100 मीटर प्लस 80 मीटर इज इक्वल टू 180 मीटर है। अच्छा ब्रेथ ऑफ टू रोड्स, और ये की ब्रेथ क्या है 3 मीटर है, 3 मीटर है, तो टोटल एरिया ऑफ द रोड्स, तो देखिए 180 मीटर इंटू 3 मीटर इज इक्वल टू 3 18 54 और एक्स जीरो है, तो 540 स्क्वायर मीटर हो गए। अच्छा ये तो टोटल रोड की है, तो नाउ एरिया ऑफ द क्रॉस रोड, तो ये कि यहाँ भी एक पोर्शन बाकी है ना, 3 मीटर करके एक स्क्वायर टाइप की पर्सन डबल काउंटिंग में आ गया, तो इसको अवॉइड करना मतलब निकाल लेना। तो नाउ एरिया ऑफ द क्रॉस रोड, तो ये जो क्रॉस पर्सन है ना डबल काउंटिंग आ गया, निकालना माइनस करना, तो ये स्क्वायर टाइप की है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों ही सेम है, बराबर है 3 मीटर है, तो इससे माइनस कर देना, तो 540 मीटर स्क्वायर माइनस 339 तो 3 मीटर होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 540 है ना और 339 है, 540 माइनस 9 531 है, तो 531 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। आप देखिए यहाँ लेबलिंग करने की बात आ रही है, मतलब देखिए ये जो रोड है इसको लेबलिंग करने की जो कॉस्ट होती है ये 11 पर स्क्वायर मीटर है, रुपीज 11, और ये जो रोड नहीं है मतलब ये जो गार्डन है, गार्डन के जो अलग अलग चार हिस्से हैं ना रोड के बाद, तो इस गार्डन की जो लेवलिंग कॉस्ट है वो पर स्क्वायर मीटर रुपीज 5 है। तो यहाँ देखिए रोड की कॉस्ट हम निकाल लेंगे 531 को 5 से 11 से इंटू करने से, क्योंकि रास्ता जो है ना रास्ते की पर स्क्वायर मीटर 11 रुपये करके होते हैं, और ये जो रास्ता के सवा जो बाघ होते हैं
बागान होते हैं इसकी हो रही है स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 5 रुपीज़ करके होते हैं। तो आप ये जो टोटल बागान है इसके एरिया निकालना। तो देखिए टोटल बागान की लेंथ क्या है 100 मीटर और ब्रेथ क्या है 80 मीटर। तो देखिए अब ऐसा ही लिखना लेंथ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू 80 मीटर देयरफॉर एरिया ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू 100 मीटर इंटू 80 मीटर इज इक्वल टू ठीक है 8000 स्क्वायर मीटर हो गई 8000 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द रिमेनिंग गार्डन ये जो गार्डन था ना इस गार्डन की ऐसा ही दो रोड था ना क्रॉस रोड था तो इन दोनों रोड्स को अलग कर दीजिए तो रिमेनिंग गार्डन की जो एरिया है निकल आएगी। अब देखिए ये जो एरिया है ये पूरा गार्डन विथ रोड्स दोनों रोड्स के साथ आया लेकिन दोनों रोड्स के अलग जो एरिया है 531 मीटर स्क्वायर है। अब देखिए ये तो पूरा गार्डन थी विथ रोड्स तो पूरा गार्डन से इस एरिया को रोड्स के एरिया को माइनस कर दीजिए तो रिमेनिंग गार्डन की एरिया आ जाएगी। तो देयर फॉर रिमेनिंग एरिया ऑफ द रिमेनिंग गार्डन इज इक्वल टू टोटल 800 स्क्वायर मीटर है ना 8000 स्क्वायर मीटर माइनस 531 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू तो 7469 स्क्वायर मीटर हो गई 7469 स्क्वायर मीटर ये जो रिमेनिंग गार्डन है इसके एरिया। तो आप देखिए कॉस्ट निकालना। देखिए ये जो एरिया आया रोड के एरिया क्रॉस रोड के एरिया और ये जो एरिया आया ये रिमेनिंग बागीचा के एरिया है तो इसकी पर स्क्वायर मीटर 11 रुपये और इसकी 5 रुपये तो दोनों की इंटू करना प्लस कर देना। तो देखिए रुपीज़ 5 इंटू ये तो रोड की है ना तो रोड में 5 रुपये करके होते हैं पर स्क्वायर मीटर 531 अच्छा प्लस रुपीज़ फिर से इसकी 5 रुपये करके 5 इंटू 7469 अच्छा यहाँ अच्छे से देखिए ये रुपीज़ 5 नहीं ये 11 है रुपीज़ 11 करके 11 रुपये तो 11 से इसको इंटू करना। तो देखिए 11 से 531 तो 1485 5841 तो इज इक्वल टू रुपीज़ 5841 अच्छा प्लस रुपीज़ इसकी देखिए 5 से इंटू करना 5 9 45 5 carry over 4 है अच्छा 5 6 30 plus 4 34 4 carry over 3 है अच्छा 5 4 20 plus 3 23 carry over 2 है 5 7 35 plus 2 37 है तो 37345 आ रही है तो इज इक्वल टू आप दोनों को ऐड करना। तो देखिए टोटल कॉस्ट चाहिए 1 plus 5 यहाँ रुपीज लिखना 1 plus 5 6 है ठीक है अच्छा 4 plus 4 8 है अच्छा 8 plus 3 11 carry over 1 है अच्छा 5 plus 7 12 plus 1 13 3 carry over 1 है और 3 plus ये जो carried 1 है 4 है तो 43,186 रुपया टोटल कॉस्ट। अच्छा ये जो कॉस्ट है ये रोड की है ये रोड पर कॉस्ट है और ये गार्डन की है मतलब रिमेनिंग गार्डन की है तो दोनों मिला के क्या आया 43,186 रुपया आया कितने बड़े अमाउंट है ना। अगर ये अमाउंट मुझे मिल जाता तो मैं यूट्यूब पे छोड़ देता और सारे ज़िंदगी बैठ के खाता। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखें ए विंडो हैज़ ए हाइट ऑफ 1 मीटर एंड ए वाइथ ऑफ 0.5 मीटर टू बीम्स ऑफ वाइट 10 सेंटीमीटर ईच क्रॉस द विंडो वन पैरेलल टू द वाइट एंड द अदर पैरेलल टू द हाइट फाइंड द एरिया ऑफ द ओपन पार्ट। तो देखिए एक विंडो है कुछ इस टाइप की ये जो विंडो है इसकी हाइट ये मतलब लेंथ मान लीजिए 1 मीटर है और ये जो ब्रेथ है 0.5 मीटर है मतलब हाफ मीटर है आधा मीटर ठीक है 500 सेंटीमीटर। आप देखिए ये जो विंडो है इस पर दो क्रॉस बार लगा हुआ है क्रॉस बीम लगा हुआ है टू बीम्स ऑफ वाइट 10 सेंटीमीटर ईच वन पैरेलल टू द वाइट एंड द अदर पैरेलल टू द लेंथ हाइट तो इस हाइट की पैरेलल एक बीम है ऐसा ही एक बीम है और ये जो वाइट है इसकी पैरेलल भी एक बीम है ऐसा ही है तो खिड़कियाँ में तो अक्सर ऐसे ही होते हैं ना ऐसे ही बीम लगा हुआ होता है ठीक है जिसको हम हमारे लैंग्वेज में बत्ती कहते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में बत्ती कहते हैं ठीक है। अच्छा अब देखिए
ये जो पार्ट है बीम के सवा जो पार्ट है इसके एरिया क्या है, बीम के सवा जो पार्ट है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 19 और 20 की तरह सेम है। इसको कहते हैं ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट इसको ओपन पार्ट कहते हैं। अच्छा तो सेम तो है ना। तो देखिए ये जो बीम है, दोनों बीम्स की हाइट जो है ना, ये लेंथ मतलब 1 मीटर है, और इसकी इस जो ये जो बीम है इसकी 0.5 मीटर है, इसकी पैरेलल है तो इसके से इक्वल भी। अच्छा आप देखिए इसकी जो वाइड है, ये वाइड 10 सेंटीमीटर करके है, ये जो वाइड है ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए 10 सेंटीमीटर की जो वाइड है ना, इसके हिसाब से ये जो बीम है, बीम के एरिया माइनस कर देना। तो यहाँ लिखना, पहले देखिए पूरा जो विंडो है, विंडो जो विंडो शील है इसकी एरिया निकाल देना, टोटल एरिया। तो देखिए लेंथ ऑफ विंडो, तो लेंथ यहाँ ब्रैकेट में हाइट लिखा, क्योंकि लेंथ तो आपको मिलेगी नहीं क्वेश्चन में, हाइट दे, तो हाइट मतलब यहाँ लेंथ है, क्योंकि ये तो एक रेक्टेंगुलर टाइप है ना। लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 मीटर, ठीक है। अच्छा हाइट, ब्रेथ, ब्रेथ मतलब वाइड, इज इक्वल टू 0.5 मीटर, ठीक है। तो देखो एरिया इज इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, 1 मीटर इंटू 0.5 मीटर इज इक्वल टू 1 to 0.5, वो 0.5 स्क्वायर मीटर हो गई, ठीक है। 1 सेंटीमीटर से तो सेम हो रही है। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, ये जो दो क्रॉस बीम है इनके भी एरिया निकालना। तो देखिए फिर से लिखिए लेंथ ऑफ बोथ द क्रॉस बीम, टू बीम्स इज इक्वल टू 1 मीटर प्लस 0.5 मीटर, दोनों एक साथ 1 मीटर प्लस 0.5 मीटर इज इक्वल टू 1.5 मीटर, ठीक है। अच्छा ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ टू बीम्स इज इक्वल टू, ब्रेथ क्या है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ सेंटीमीटर है तो ये सब मीटर में है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना, तो मीटर में कन्वर्ट करना मतलब इसको 100 से डिवाइड देना, तो 100 से डिवाइड देने से 0.1 मीटर हो गए, ठीक है। अच्छा अब देखिए देयरफॉर एरिया, टोटल एरिया ऑफ दी, टोटल एरिया ऑफ बोथ दी बीम्स, या फिर ऐसे देखिए टोटल एरिया ऑफ टू बीम्स इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर इंटू 0.1 मीटर इज इक्वल टू, अब देखिए 1.5 और 0.1 है 0.1, तो 1 से इसको इंटू करने से वही 1.5 आएगी। अब देखिए दोनों में एक डिजिट, एक डिजिट, एक डेसिमल, एक डेसिमल है, तो यहाँ भी 2 डेसिमल होना मतलब यहाँ पे हो जाएगी, तो 0.15 स्क्वायर मीटर हो गई, 0.15 स्क्वायर मीटर। ये क्या आया भाई, ये तो टोटल जो दोनों बीम्स है दोनों के एरिया आया। अब यहाँ देखिए ये कॉमन पोर्शन है, इसके एरिया भी माइनस करना हो, तो इसके देखिए ये तो स्क्वायर टाइप है, पहले हम देख चुके, तो स्क्वायर टाइप इसकी 10 सेंटीमीटर मतलब साइड है, लाइफ एक बराबर है, ये जो कॉमन क्वेश्चन है, तो 10 सेंटीमीटर मतलब क्या है 0.1 मीटर, ये तो स्क्वायर है ना, तो इसको स्क्वायर करने से 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर होगी, 1 to 1 1 है, तो 0.01 होगी, ठीक है। तो ये जो 0.01 मीटर स्क्वायर है ना, इसको माइनस कर देना, तो ऐसा ही लिखना देयरफॉर एरिया ऑफ द टू क्रॉस बीम्स इज इक्वल टू ये 0.15 मीटर स्क्वायर माइनस ये पर्सन, तो 1.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, तो ये तो स्क्वायर टाइप की, तो 0.1 मीटर होल स्क्वायर मतलब 0.1 मीटर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.15 मीटर स्क्वायर माइनस 0.01 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 0.15 से 0.01 माइनस करें तो 0.14 होगी, तो 0.14 मीटर स्क्वायर हो रही है। तो आप ऐसे ही लिखना देयरफॉर एरिया ऑफ द ओपन पार्ट्स, ये जो चार ओपन पार्ट्स हैं इनके एरिया, तो टोटल एरिया क्या आया 0.5 स्क्वायर मीटर है, तो 0.5 स्क्वायर मीटर माइनस आप जो दोनों बीम्स हैं, दोनों बीम्स की नेट एरिया क्या है 0.14 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ आपको 14 और यहाँ सिर्फ 5 ऐसे पढ़ने से, ऐसे पढ़ने की गलती मत करना, क्योंकि ये 0.5 मतलब 0.50 है और ये 0.14 स्क्वायर मीटर है, 1/4 है मतलब 14 है और ये यहाँ 50 है, तो इज इक्वल टू देखिए 50 से 14 माइनस करें तो क्या आएगी 36 आएगी, तो 0.36 मीटर स्क्वायर आएगी, और
इसको अगर आप चाहें तो सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए देखिए, मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 सेंटीमीटर पड़ेगी, जबकि यहाँ स्क्वायर है तो 100 into 100 मतलब 100 स्क्वायर सेंटीमीटर पड़ेगी। तो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर करने से क्या होगी, 0.36 into 100 स्क्वायर। तो 100 स्क्वायर मतलब 100 into 100 मतलब 10,000, एक के बाद 4 जीरो होगी। तो देखिए 0.36, देखिए 2 जीरो से तो डेसिमल पॉइंट रिमूव हो जाएगी, मतलब 36 हो गया, और भी 2 जीरो है तो और 2 जीरो लगा देना, तो 3600 हो गया, और 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होता है भाई फाइनल आंसर, बहुत इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, द शेप ऑफ लेटर एच इज टू बी कट फ्रॉम ए कार्डबोर्ड, द हाइट ऑफ द शेप इज 50 सेंटीमीटर एंड द वाइट इज 40 सेंटीमीटर, ऑल थ्री सेगमेंट्स हैव अ यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ 5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड ईस्ट। अब देखिए क्वेश्चन के समान कुछ ऐसा है, मान लीजिए यह कार्डबोर्ड है, यह कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड की जो हाइट है मतलब इसको लेंथ मानिए 50 सेंटीमीटर है, और जो वाइड है ये 40 सेंटीमीटर है ब्रेथ। तो इससे एक एच टाइप की लेटर बनाना, तो एच टाइप की लेटर मान लीजिए कुछ ऐसा है। तो देखिए ये जो कार्डबोर्ड था ना, कार्डबोर्ड तो ओरिजिनली ऐसे ही था, तो ये जो कार्डबोर्ड है इससे एक एच बनाना, तो ये जो एच है, एच बनाने के लिए कार्डबोर्ड की कितनी एरिया आपको यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ देखें, यहाँ एच में तो 3 पार्ट्स है, ये एक पार्ट से, ये एक पार्ट से और ये एक पार्ट से, तो हर एक पार्ट्स की जो वाइड होते हैं ये 5 सेंटीमीटर करके, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, हर एक सेम वाइड के हैं। तो देखिए आराम से हम निकल सकते हैं, बहुत ही सही है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाइए। तो ये जो एच की जो ये जो वर्टिकल है, ये जो वर्टिकल सेगमेंट है इसकी देखिए हाइट, ये पूरा कार्डबोर्ड के हाइट के बराबर है 50 सेंटीमीटर, और ये जो सेगमेंट है ये इस साइड की जो सेगमेंट है दोनों बराबर है। एच में तो दो साइड में दो आर्म्स होते हैं ना, तो इन दोनों आर्म्स मतलब दोनों साइड क्या है, बराबर है, बराबर है ना, बराबर है तो 50 सेंटीमीटर करके। तो देखिए यहाँ आपको ऐसे लिखना, लेंथ ऑफ, ये जो हाइट होते हैं ये लेंथ है, रेक्टेंगुलर टाइप है ना, लेंथ ऑफ द टू वर्टिकल सेगमेंट्स ऑफ द शेप एच इज इक्वल टू, देखिए दोनों की एक साथ लेंथ हिसाब करना, तो ये 50 सेंटीमीटर ये भी 50 सेंटीमीटर, तो दोनों 50 सेंटीमीटर वाले सेगमेंट्स को अगर एक साथ जुड़ दी जाए तो कुछ ऐसा होगा कि लंबा होगा ना, तो 50 + 50 100 होगी, तो 50 सेंटीमीटर + 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर ठीक है। अब देखिए वाइड या फिर ब्रेथ, ब्रेथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है ना, 5 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 100 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 × 100 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो दोनों वर्टिकल टेहनिया के एरिया है, टोटल एरिया है। अब देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल सेगमेंट है इसके एरिया भी निकालना, तो इसके एरिया के लिए देखिए वाइड तो सेम 5 सेंटीमीटर है ठीक है। अब देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है इसकी लेंथ कम हो गई, इस साइड से देखिए 5 सेंटीमीटर घटा, इस साइड से भी 5 सेंटीमीटर घट गया, तो कुल मिलाकर 5 + 5 = 10 सेंटीमीटर दोनों तरफ से घट गई, और यहाँ टोटल कितने 40 सेंटीमीटर है। तो ऐसे ही लिखना, लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल सेगमेंट इज इक्वल टू, देखिए 40 है ना, 40 सेंटीमीटर - 5 + 5 = 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है। अच्छा अगेन लेंथ ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल, अच्छा यहाँ अगेन लिखना ठीक है, अगेन अच्छा लेंथ है, अब ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल सेगमेंट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है ना, तो देयरफॉर एरिया, एरिया मतलब एरिया ऑफ द हॉरिजॉन्टल सेगमेंट, तो देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 30 है तो 30 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 × 30 = 150 सेंटीमीटर × 150 सेंटीमीटर² सेंटीमीटर। अच्छा आप एक चीज़ देखिए, पूरे एज की एज टाइप की जो शेप है इसके एरिया निकालना, मतलब यह कार्डबोर्ड कितने यूज हुआ। तो देखिए वर्टिकल जो दो सेगमेंट्स है दोनों की 500 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया, और हॉरिजॉन्टल जो है ना इसकी 150 है, दोनों की जोड़ देना, तो आप फाइनली ऐसा ही लिख देना, एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड ईस्ट इज इक्वल टू 500 स्क्वायर मीटर + 150 स्क्वायर मीटर 500 स्क्वायर मीटर सॉरी सेंटीमीटर + 150 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 650 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये होते भाई फाइनल आंसर। तो भाई ये एक्सरसाइज पूरा समाप्त हो गया, तो
धीरे धीरे करके बाकी सारे एक्सरसाइजेस भी सॉल्व कर दूंगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आज नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।